नमस्कार दोस्तों, एवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बड़ी टर्म टीएचडी। टीएचडी क्या होता है, अब टीएचडी कहाँ पे आता है, चलिए वो बात करते हैं। अब देखिए, कोई भी एम्पलीफायर आप पावर एम्पलीफायर उठा के ले लीजिए, तो आप आहूजा के पर्टिकुलरली जो एम्पलीफायर है वहाँ पर आप देखने पाएंगे कि पावर आउटपुट वो स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है 3000 वाट मैक्सिमम, 2500 वाट RMS एट 10% TSD, यही वाला है। और यहाँ पे जो लिखा है 2300 वाट RMS एट 5% TSD, 2150 वाट RMS एट 2% TSD। ये TSD एक्चुअली है क्या, एम्पलीफायर में ये TSD होता क्या है, तो बात करते हैं। ये बहुत ही राजू विश्वास मेरे बहुत मित्र हैं, तो उनकी बोला गया ये क्वेश्चन है, तो बहुत दिन का पहला का क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बात करते हैं वो TSD क्या होता है। तो TSD क्या है, अब 2% TSD क्या है, 10% TSD क्या है, 5% TSD क्या है। TSD मतलब ये होता है टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन। अब टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन में टोटल के मतलब तो हमको पता होता है कि पूरा। अब हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है बात कर लेते हैं। हार्मोनिक्स मतलब होती है अनवांटेड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हम जो हमारा जो म्यूजिक बजता है, जो भी बजता है, वो एक्चुअली एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी उसको बोला जाता है। तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी, जो नॉइजेस उसमें ऐड हो जाती है, उसको हार्मोनिक्स बोला जाता है। तो अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज में जो ऐड हो जाता है, मतलब जो बैड म्यूजिक होती है। क्या बैड म्यूजिक है, मैं आपको वो भी सुना के बता दूंगा। तो बैड म्यूजिक क्या होता है, और हार्मोनिक ये हो गया हार्मोनिक पूरा हार्मोनिक्स। अब डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन, मतलब जो क्वालिटी है ओरिजिनल सिग्नल की, वो उसमें नॉइज ऐड हो जाएगी सिग्नल में, और वो डिग्रेड हो जाएगी, क्वालिटी उसकी डिग्रेड हो जाएगी। तो कितनी डिग्रेड होगी वो TSD डिसाइड करता है। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन जो कि मेजरमेंट करता है सिग्नल में कितनी हार्मोनिक्स ज़्यादा, मतलब अनवांटेड जो सिग्नल है कितने हैं, और अनवांटेड फ्रिक्वेंसी कितने ऐड हुए। तो TSD होता है क्या है, जितने भी हार्मोनिक्स कंपोनेंट रहते हैं उस सबका सम डिवाइडेड बाय पावर ऑफ दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, मतलब जो सबसे छोटा फ्रिक्वेंसी उसका डिवीजन पे जो निकलता है उसको TSD बोला जाता है, और ये परसेंटेज में आता है। तो कैसे, चलिए बात करते हैं और थोड़ा अच्छे से कैसे समझेंगे। तो हार्मोनिक डिस्टोर्शन होता है क्या है, इसमें ओवरटोन्स ऐड हो जाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे ओवरटोन्स क्या है, कि कोई अनवांटेड फ्रिक्वेंसी हो जाती है ऊपर, उसके ऊपर आ जाते हैं जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होता है। ओवरटोन क्या होता है, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी रहते हैं, जो लोअर फ्रिक्वेंसी रहते हैं, लो फ्रिक्वेंसी, उसके ऊपर कुछ उससे हायर ग्रेटर फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाता है, तो उसको ओवरटोन बोलते हैं। मतलब अनवांटेड चीज़ें होती है जो जिसकी जो कि क्वालिटी खराब करते हैं जो सिग्नल की, मतलब ऑडियो सिग्नल की और म्यूजिक की। तो चलिए मैं एक जैसे बैड ऐसे ओरिजिनल वेवफॉर्म, अगर सपोज ऐसे ऐसे करके एक वेवफॉर्म है और इसको डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म हो गया, मतलब वो देखिए कैसे, ये वाला ऐसे था तो यहाँ से देखिए ये नीचे पूरा नीचे चला गया ऐसा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक डिस्टोर्शन फॉर्म एक ओरिजिनल फॉर्म से कैसे धीरे धीरे वो डिस्टोर्ट होता जाए। पहला जो सुनेंगे आप ओरिजिनल है, उसके बाद सब डिस्टोर्ट है। देखिए क्लिक करता हूँ, डिस्टोर्ट हो गया और डिस्टोर्ट हो गया, देखिए। और एक बार सुनाते हैं, जो पहला जो सिग्नल है वो है आपका ओरिजिनल सिग्नल, उसके बाद वो ऑडियो कैसे चेंज, उसमें अगर डिस्टोर्शन ऐड हो जाता है तो कैसे वो चेंज हो जाता है, थोड़ा और एक बार सुनते हैं। तो आप अभी देख सकते सुन सकते हैं कि कैसे एक ओरिजिनल वेवफॉर्म से कैसे ये लोग डिस्टोर्ट हो जाते हैं, मतलब जो डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ ऐड हो जाता है जो सिग्नल, सॉरी सिग्नल कैसे ऐड हो जाता है वेवफॉर्म के साथ, और फ्रीक्वेंसी कैसे ऐड हो जाते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो और जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाते हैं उसको हार्मोनिक्स बोला जाता है। तो क्या करते हैं, तो जितनी लो TSD रहेगी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट रहेगी। तो ऑडियो क्वालिटी बेस्ट मतलब लो TSD बेस्ट ऑडियो क्वालिटी, बस आपको इतना याद रखना है कि जितना लो TSD और उतना बेस्ट ऑडियो क्वालिटी। तो थोड़ा बात कर लेते हैं और थोड़ा ये प्रैक्टिकली जो होती है, ये बहुत लिखा हुआ है लेकिन मैं उसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। अच्छा, ये TSD परसेंटेज में लिया जाता है, तो कैसे वो TSD जो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन कैसे मेजर करते हैं मैनुफैक्चर, अब कैसे मेजर करते हैं।
वो टीएसडी आप देखिए, यहाँ पे टीएसडी मेजर करने के लिए आपकी जो मशीन है लैब में इसको जनरली करते हैं, और उनके लिए मशीन्स उनके पास दूसरे मशीन्स रहते हैं, तो वो मशीन क्या करते हैं, एक इनपुट फ्रिक्वेंसी, एक सिग्नल साइन वेव, इसको साइन वेव बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ ये साइन वेव है, और एक साइन वेव सिग्नल उसको देते हैं वो मशीन को, और उसके बाद जो टोटल आउटपुट जो आता है उसको इनपुट फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कितना हार्मोनिक्स जितना हमने सेंड किया उसके बाद कितना आउटपुट क्या आया, और उसमें कितने दूसरे फ्रिक्वेंसी उसमें ऐड हो गए, तो वो लैब पे वो मशीन रहता है, एक इक्विपमेंट रहता है जो कि उसको मेजर करता है, और उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि इसमें इतना है। जैसे कि देखिए ये वाला जो बात, और एक बार चलते हैं वो स्लाइड पे, देखिए अब इसमें आते हैं, तो आप अभी समझ में आ जाएगा कि अगर ये जो पावर एम्पलीफायर है एसपीए 25,000 अगर 2150 वाट पे चलता है तो 2% टीएचडी और 2% टीएचडी पे, मतलब इसके इसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 2% मैक्सिमम रहेगा, उससे ज्यादा उन्होंने टेस्ट किया कि 2% हार्मोनिक डिस्टॉर्शन उसमें आया है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जब 2300 पे चला है तो 5% आया है, जब 2500 पे चला है तो 10% तक आ सकता है, इतना उसमें ऐड हो गया, तो ये उसका उनका टेस्ट रिपोर्ट है कि ऐसे ऐसे आया, तो यही है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो आपको पता होगा कि जितने भी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, मतलब ये 2% मतलब लो जितना होगा उतनी अच्छी क्वालिटी आपकी ऑडियो की आएगी, लो टीएचडी हाई क्वालिटी, तो ये है टीएचडी टोटल हार्मोन डिस्टॉर्शन, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, नॉइज ऐड हो जाती है ओरिजिनल सिग्नल जो सिग्नल के साथ, उसी को टीएचडी में मेजर किया जाता है, जो कि परसेंटेज में मेजर किया जाता है, जैसे कि हमने अनवांटेड जो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होता है उसको समझाया, तो ये पूरी चीज थी। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो और आप पूछ सकते हो, हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब्सक्राइब बटन है, और उसके बाद यहाँ पे बेल आइकन को दबा देना है और सब्सक्राइब ऐसे ही कर लेना है। तो चलिए ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियो को और लाइक करते रहिए। तो ये था आज के लिए बस, ये छोटा सा वीडियो टीएचडी के ऊपर, और फिर भी डाउट है तो जरूर हम मैसेज बॉक्स में लिखिए, और अगर कहीं पे मेरे मेरे से अगर गलती भी होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कहीं पे अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ जो मैं स्टडी किया पूरा, तो उस वो आपके सामने रख दिया, अगर फिर भी आपको कहीं पे लगता है कि यहीं पे आपने कुछ कहीं पे पढ़ा हुआ है कि और कहीं से आपको कुछ मिला है कि भाई इसको ये बोलते हैं, कोई भी चीज़ मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं पे ही लगता है कि सर यहाँ पे आपने गलत किया, कि भाई आप यहाँ पे गलत हो, और देखिए गलती होता है कभी कभी जानबूझ के भी हो जाता, कभी कभी गलती से गलती हो जाता है, और कभी 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 हमको पता नहीं चलता कि ये गलत है, तो हम कोशिश में हमेशा करता हूँ, बहुत सारे रेफरेंस लेता हूँ और जो भी प्रैक्टिकली भी देखता हूँ, तब जाके मैं कुछ आप तक पहुँचाता हूँ। कभी कभी होता है कि हो सकता है कि आप जिस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं साउंड पे, हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो कहीं पे अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि यहीं पे गलत है, तो आप डिटेलली बताइए कि हाँ भाई आप यहाँ पे गलत हो और ये गलत लग रहा है हमको, और तो मैं उस पर रिसर्च करूँगा और डीपली रिसर्च करूँगा, कंपनी को पूछूंगा और कहीं पे मेरे जो सीनियर्स हैं उनको भी पूछूंगा कि कहीं पे कुछ भी, क्योंकि देखिए भाई हम लोग यहाँ सीखने आते हैं तो सब मिलजुल के सीखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं बताता रहूँगा, आपसे भी मैं सीखता हूँ बहुत बार, आपकी क्वेश्चन से मैं सीखता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सारा चीज़ पता है, मैं भगवान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, आप जैसे ही सोचता हूँ आप मैं बस, हाँ इतना है कि कोई चीज़ मुझे मिलता है तो मैं उसको पढ़ता हूँ, उसके रिसर्च करता हूँ और डीपली जाने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती तो आपको तक शेयर हो जाता है, और कहीं कहीं भी हो सकता है कि मैं भी बायस हो जाता हूँ, कहीं इंफॉर्मेशन गलत कहीं से अगर पढ़ लिया तो अगर आपको कहीं से सही इंफॉर्मेशन मिलता है और कुछ भी मिलता है तो आप जरूर हमको हाँ हेल्प करिए, हम एक दो दोनों को हेल्प करेंगे, ये एक ऐसा ही सेक्शन है। तो राजू मिश्रा जी का थैंक यू फॉर दिस टीएचडी, जिसके बारे में हमने बहुत कॉलेज में पढ़ा था, और अच्छा हुआ कि ये चीज़ यहाँ पे काम पे आ गई, तो हो सकता आपको, मुझे लग रहा है कि टीएचडी के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो गया होगा कि इतने में अगर इतने वाट में चलता है तो 2% टीएचडी होता है, मतलब इसमें अच्छी क्वालिटी की साउंड आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।